आज के इस वीडियो में हम सिस्टम अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डेविड ईस्टन द्वारा पॉपुलर की गई थी, उसी के द्वारा शुरू की गई थी। बाद में इसको आर्मड व पावेल ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के रूप में और अच्छी तरह से डेवलप किया था, एनालिसिस किया था। तो सिस्टम अप्रोच मॉडर्न अप्रोच में आती हैं, जो कि बिहेवियरलिज्म जो हमने देखा था व्यवहारवाद के बाद, कुछ नए तरीके से नई अप्रोच आई, नए तरीके से पढ़ने की कोशिश की गई पॉलिटिकल साइंस को। तो उन्हीं में एक मॉडर्न अप्रोच, एक सिस्टम अप्रोच आती है। सिस्टम अप्रोच पॉलिटिकल साइंस में आने से पहले सोशल साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में भी डेवलप हो चुकी थी, और उन विषयों में ये जीव विज्ञान या बायोलॉजी से आई थी। सोशियोलॉजी में टालकट पार्सन्स और आर के मटन का नाम महत्वपूर्ण आता है, जिन्होंने सोशल सिस्टम अप्रोच को डेवलप किया था सोशियोलॉजी में, और उन्हीं से प्रेरित होकर डेविड ईस्टन ने इसे पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किया था, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसे मार्टिन कैपलान ने अप्लाई किया था। तो इस अप्रोच को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सिस्टम क्या होता है और पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और पॉलिटिकल सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद ही हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हम इस अप्रोच के द्वारा पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे समझ सकते हैं या दो पॉलिटिकल सिस्टम्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। यह अप्रोच मुख्य रूप से कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में अप्लाई की गई थी, यानी कि विभिन्न देशों के पॉलिटिकल सिस्टम की तुलना करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम एक आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे राजनीति का, तो सिस्टम खराब है, सिस्टम बिगड़ चुका है, या इस इंस्टीट्यूशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये सिस्टम जब हम कहते हैं तो हम एक किस्म से उसकी कार्य प्रणाली की बात करते हैं, कि किसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से काम करती है तो उसको हम बेहतर सिस्टम बोलते हैं, और किसी कार्य प्रणाली बेहतर तरीके से काम नहीं करती या उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स, उनको पूरा नहीं कर पाती या उससे परेशानी होती है लोगों को, तो हम कहते हैं ये सिस्टम ठीक नहीं है। जैसे हम सरकार का सिस्टम कई बार अगर काम ठीक तरीके से नहीं होते तो हम कहते हैं कि सिस्टम खराब हो चुका है। किसी कॉलेज में या स्कूल में यदि पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं होती या गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, अव्यवस्था ज़्यादा होती है, उनको सज़ा नहीं दी जाती, तो कहते हैं सिस्टम खराब हो चुका है। तो सिस्टम वैसे तो बड़ा ही कॉमन शब्द आम बोलचाल की में बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन यहाँ हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल वे में देखेंगे सिस्टम किसे कहा जाता है। ए हॉल और आर फैगन ने जो इसको डिफाइन किया है, ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट टुगेदर विद रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड बिटवीन देयर एट्रीब्यूट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, कई चीज़ें होती हैं और उनका आपस में लिंक होता है, रिलेशनशिप होती है एक दूसरे से, एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है, तभी कोई सिस्टम डेवलप होता है। एनी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट इंटरेक्ट इन सम वे विद एन अनदर, रॉबर्ट डहल ने भी यही बात कही है कि जो एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं, जो एलिमेंट्स मिलकर आपस में, तो उससे सिस्टम बनता है। तो हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज है, कॉलेज को एक सिस्टम है, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे व्यक्ति हैं, सबकी भूमिकाएं बटी हुई हैं, कोई कर्मचारी है, कोई फोर्थ क्लास में काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई टीचिंग का काम करता है, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रिंसिपल है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर ये आपस में इनका कोई संबंध ना हो, कोई एक दूसरे पर प्रभाव न पड़ता हो, तो इसको हम सिस्टम नहीं कहेंगे, लेकिन सभी आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। टीचिंग के लिए टीचर पर निर्भर रहना पड़ता है, पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल स्टाफ पर निर्भर रहना पड़ता है,
तो आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। यदि एक ने भी अपना काम नहीं किया, यदि पीएन ने या चौकीदार ने या सफाई कर्मचारी ने भी अपना काम नहीं किया तो भी वो मामला बिगड़ जाएगा, यानी कि उसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। एक की कमी या खूबी का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, इंट्रैक्शन करते एक दूसरे से। तो ये जो सारी बातें होती हैं, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। सिर्फ एलिमेंट इकट्ठे होने से, एक जगह इकट्ठे होने से भी सिस्टम नहीं बनता, और अगर वो व्यवस्थित ढंग से नहीं है तो भी सिस्टम नहीं बनता। यदि कॉलेज में सारी चीज़ें हैं लेकिन न तो क्लास लगने का पता है, न टीचिंग का पता है, न कोई टाइम टेबल है, तो हम उसको ये कहेंगे कि ये सिस्टम नहीं है। अब टाइम टेबल होता है, अभी इस टाइम पे ये क्लास उस रूम में वहाँ पर लगेगी, तो सब कुछ फिक्स है, सब कुछ प्लान किया हुआ है। और यदि ये ही नहीं पता कि कौन सी क्लास कहाँ पर लगेगी और किसको कौन पढ़ाएगा, हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पर, लेकिन कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है, तो फिर हम उसको सिस्टम नहीं कहेंगे। तो सिस्टम के चार एलिमेंट्स ये मुख्य रूप से हैं। एक तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, नहीं कुछ तत्व उसमें होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ व्यक्ति उसे मिलकर ही बनता है। दूसरा है रिलेटेड टू वन अंदर, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तीसरा डिपेंडेंट ऑन वन अंदर, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं, यानी कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है और आपस में उनमें इंट्रैक्शन होता रहता है। ये नहीं सब आइसोलेशन में काम करते हैं, यानी कि टीचर का स्टूडेंट से कोई संबंध नहीं है, या टीचर का स्टाफ क्लरिकल स्टाफ से कोई संबंध नहीं, सब का आपस में इंट्रैक्शन करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, और एक नियम कानून बने हुए हैं आपसी व्यवहार के। तो ये सारी बातें एक सिस्टम को डेवलप करती है, जिससे एक सिस्टम होता है। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती वहाँ पर भले ही सारे लोग इकट्ठे हों लेकिन वो सिस्टम नहीं होता। जैसे किसी मशीन के यदि पुर्जे अलग अलग कर दिए जाते हैं, अलग अलग उनको लग इकट्ठा करके, टायर निकाल के या स्टेयरिंग निकाल के, सब कुछ अलग अलग इंजन निकाल के अलग अलग रख दिया जाता, तो उसको हम गाड़ी नहीं कहेंगे। गाड़ी हो तब होगी जब सारे पुर्जे अपनी जगह पर, जहाँ पर वो सेट हो सकते हैं, टायर की जगह स्टेयरिंग सेट नहीं होता, स्टेयरिंग की जगह टायर सेट नहीं हो सकता, जहाँ जहाँ पर उनकी प्रॉपर पैलेस है वहाँ पर सेट होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तभी वो एक गाड़ी का रूप लेती है और तभी हम उसको एक सिस्टम कहते हैं। बायोलॉजी से एक कॉन्सेप्ट आया, जैसे हमारा बॉडी एक सिस्टम है जिसमें शरीर के सभी अंग आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में उनमें स्वायत्तता भी है और इंटरडिपेंडेंसी भी है। जैसे हाथ का अपना स्पेशलाइजेशन है, हाथ के जगह अपनी आँख काम नहीं कर सकती, आँख की जगह अपना नाक काम नहीं कर सकता, तो सभी का अपना प्रॉपर पैलेस है और सभी अपना काम करते हैं, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहते हुए अपने काम में स्पेशलाइजेशन लेते हुए, तभी एक अच्छा सिस्टम डेवलप होता है। तो ये जो सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया था, जो सिस्टम थ्योरी या सिस्टम अप्रोच हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ये मुख्यतः जीव विज्ञान से आया था। अपनी बॉडी को देख के ये समझा गया था, हमारी बॉडी एक सिस्टमेटिक रूप से एक सिस्टम की तरह काम करती है। जिस तरह हमारी बॉडी एक सिस्टम की तरह काम करती है, इसी तरह पूरी सोसाइटी भी काम करती है। सोसाइटी में भी सभी लोगों के काम बटे हुए हैं, कुछ लोगों का काम उत्पादन करना है, कुछ लोगों का काम व्यापार करना है, कुछ लोगों का काम रूल रेगुलेशन बनाना है, कुछ लोगों का काम दूसरी सुविधाएं देना, तो सभी के काम बटे हुए हैं और सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तभी एक सिस्टम डेवलप होता है। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी एक सिस्टम डेवलप होता है कि कैसे कोई सत्ता चुनी जाएगी, कैसे वो काम करेगी, कैसे लोग राजनीति में भागीदारी लेंगे, कैसे उनको कोई पद प्राप्त होगा, ये सब के नियम बने होते हैं और सभी अब अपनी भूमिका में काम करते रहते, तभी एक सिस्टम डेवलप होता है। तो ये तो था सिस्टम, एक जो पॉलिटिक्स के अलावा हर जगह काम करता है। अब आता है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में हम मुख्य रूप से क्या देखते हैं कि हमारा जो अध्ययन होता है, जब हम पढ़ते भी राजनीति विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो राजनीति विज्ञान में हम राज्य का और सरकार का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें ये है कि सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है बात, कि सत्ता कैसे प्राप्त होती है, क्या तरीका होता है, कौन प्राप्त कर सकता है, कैसे, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो चुनाव कैसे होते हैं, यदि डिक्टेटरशिप है तो कैसे सत्ता प्राप्त करते हैं, और शासक कैसे अपने
आदेशों को मनवाता है, कैसे उनको लागू करता है, किस तरह से नियम बनाए जाते हैं, किस तरह से उनकी व्याख्या की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर न्यायपालिका काम करती है, कार्यपालिका, विधायिका, चुनाव होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, ये सभी पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम में जो मुख्य रूप से जो है, जो जैसे ये कहा जाए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट डिसीजन, एक प्रोसेस है पॉलिटिकल सिस्टम जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डिसीजन कैसे लेती है या गवर्नमेंट बनती कैसे, इस प्रोसेस को समझना ही या इस प्रोसेस को देखना ही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा होता है। ये एक सब स्ट्रक्चर है, सोसाइटी के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, कल्चरल स्ट्रक्चर है, उन्हीं में से एक है हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल सिस्टम कह सकते हैं। ये सोसाइटी का, सोशल सिस्टम का एक सब सिस्टम होता है, क्योंकि हर एक सिस्टम के सब सिस्टम भी होते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में भी उसको बांट दिया जाता है और बड़े रूप में एक बड़े सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और दूसरा, लेकिन इसकी स्पेशल फीचर्स क्या है, सोसाइटी के सिस्टम तो बहुत है, सब सिस्टम सोसाइटी में बहुत है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम की एक सबसे अलग विशेषता जो किसी और सिस्टम में नहीं है, इसके पास सत्ता होती है। सत्ता होने का मतलब ये बाकी सभी सिस्टम के व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, उनके लिए नियम बना सकता है, उनके लिए आदेश जारी कर सकता है, और कोई इसको आदेश को नहीं माने तो उसको सजा भी दे सकता है। ये इसके पास ताकत होती है, जो मसल पावर, इसको फिजिकल पावर, एक मिलिट्री के रूप में जो पावर है वो इसके पास होती है। तो इसलिए ये बाकी सभी स्ट्रक्चर से या बाकी सभी सिस्टम जो सब सिस्टम है उनसे एक अलग, एक विशेष भूमिका पॉलिटिकल सिस्टम की होती है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही पॉलिटिक्स, जो गवर्नमेंट आती है, और गवर्नमेंट के पास ही रूल रेगुलेशन बनाने की या लॉ को इम्प्लीमेंट करने की या लॉ को इनेक्ट करने की जो सारी पावर होती है गवर्नमेंट के पास होती है, और गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम का ही हिस्सा होता है। तो एक अलग विशेषता होती है पॉलिटिकल सिस्टम की कि ये आदेश देने की शक्ति या सजा देने का अधिकार इसके पास होता है, और किसी सब सिस्टम के पास ये अधिकार नहीं होता। सिस्टम ऑफ सच इंटरेक्शन थ्रू विच एलोकेशन ऑफ अथॉरिटेटिव वैल्यूज डन, यानी कि अथॉरिटेटिव एक सत्तात्मक मूल्य, यानी कि सत्ता किसको प्राप्त होगी, सत्ता में किसकी क्या भागीदारी होगी, किसको कौन सा पद मिलेगा, तो ये सारी बातें इस सिस्टम में इंटरेक्शन होता रहता है। इन सभी के बारे में जो इंटरेक्शन होता रहता है वो पॉलिटिकल सिस्टम में ही होता रहता है। डेविड ईस्टन ने इसको डिफाइन किया है, कैन बी डेजिग्नेटेड एज द इंटरेक्शन थ्रू विच वैल्यूज एंड अथॉरिटेटिव एलोकेटेड फॉर ए सोसाइटी, यानी कि वैल्यूज आर, यानी कि जो समाज के मूल्य उनको वैधानिक तरीके से, सत्तात्मक तरीके से, अथॉरिटेटिव यानी कि एक कहते हैं कि वैध तरीके से इनको अलॉट किया जाता है, एक अधिकार उसको ही दिया जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम ही डिसाइड करता है कि किसकी क्या भागीदारी होगी सत्ता में या राजकाज में, किसको कौन सा पद मिलेगा, किसको कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम में डिसाइड होती हैं। और ये ऑफिशियल, ये बता ही दिया था, मेकिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रोसेस, एक प्रोसेस गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेती है। तो सभी सिस्टम की तरह हर चीज़ में सिस्टम होता है, कॉलेज भी एक सिस्टम है, परिवार में भी एक सिस्टम है, परिवार में सभी व्यक्ति आपस में जुड़े होते हैं, दूसरे की कार्य भी बटे होते हैं, रोल भी बटे होते हैं, और उनके अधिकार भी बटे हुए होते हैं कि इसको क्या अधिकार मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, भले इनफॉर्मली रूप से कहीं लिखे नहीं होते जैसे संविधान में गवर्नमेंट के बारे में लिखे होते, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और तभी एक परिवार चलता है जब सिस्टमेटिक रूप से, जब लोग, जब परिवार के कुछ सदस्य अपनी भूमिका निभाना बंद कर देते हैं तो परिवार में अव्यवस्था आ जाती है, इसको हम कहते हैं कि सिस्टम बिगड़ चुका है। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स सत्ता के, शक्ति के, पावर के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसी से संबंधित की शक्ति किसको मिलेगी, सत्ता किसको मिलेगी, तो ये सब के इर्द गिर्द या इससे संबंधित जो एनालिसिस होता है वो पॉलिटिकल सिस्टम में होता है। आगे डेविड ईस्टन फिर यही बताएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे, कोई पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, और कैसे हम पॉलिटिकल सिस्टम से कंपैरिजन कर सकते हैं विभिन्न देशों के सरकारों के बीच में। अब आलमंड और पावेल ने पॉलिटिकल सिस्टम की चार
विशेषताएं बताई हैं, बेसिक फीचर्स बताए हैं। मुख्य फीचर्स ये है किसी पॉलिटिकल सिस्टम के, एक तो क्या है, इंटरडिपेंडेंट ऑफ पार्ट्स और इंटररिलेटेड एक्ट, जो हर सिस्टम के विशेषता होती है कि इसके जो पार्ट्स में आपस में इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर होंगे और एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। द बाउंड्रीज ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम की एक बाउंड्री होती है, हर एक सिस्टम के बाउंड्री होते हैं, कहीं से शुरू होता है कहीं पर ख़त्म होता है, ये नहीं कि हर एक चीज़। लेकिन यहाँ जो बाउंड्री कहने का मतलब है, यहाँ बाउंड्री कहने का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि कोई फिजिकल जो कोई टेरिटोरियल बाउंड्री है, इस क्षेत्र में पॉलिटिकल सिस्टम आता है, ये सिर्फ कार्यों पर निर्भर करता है। एक ही व्यक्ति, वही लोग कभी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाते, कभी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। जैसे यदि कोई राजनीति में भाग लेना शुरू कर देता कोई व्यक्ति, जैसे वो वोट डालने की बात है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनता है, चुनाव में प्रचार करना शुरू कर देता है, तो और किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेता है, तो एक किस्म से पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वही व्यक्ति जब अपने खेत में काम करता है, दुकान पर काम करता है, तो उस टाइम पर वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो ये व्यक्ति के कार्यों पर निर्भर करता है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है कि नहीं। एक टाइम पर हो सकता है पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाए, दूसरे टाइम पर पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा ना रहे। तो ये इसकी बाउंड्री डिसाइड होती है व्यक्ति के रोल, जो भूमिका निभाता है, उस भूमिका से डिसाइड होता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्री में आता है या नहीं आता। तो इससे पॉलिटिकल सिस्टम की एक बाउंड्री डिसाइड होती है। अब तीसरा है इन्वायरमेंट ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम कोई आइसोलेशन में काम नहीं करता, ये आइसोलेट अलग तरीके से काम नहीं करता। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग तरह के आर्थिक सिस्टम, जो आर्थिक इन्वायरमेंट है या सांस्कृतिक इन्वायरमेंट है या डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, इन सभी का उस पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो इन्वायरमेंट होता है, पॉलिटिकल सिस्टम इस इन्वायरमेंट का दास भी नहीं होता। ये नहीं कि इन्वायरमेंट के अनुसार ही चलता, जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा वैसे पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाएगा। हाँ, ये उससे प्रभावित होता है। जैसे हम आसपास की गतिविधि से, हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से डिपेंड करती है। यदि हम बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, इसको सिर्फ मजदूरी के अलावा और कोई फुर्सत नहीं मिलती अपना पेट पालने के लिए, तो क्या राजनीति में भाग लेगा। लेकिन अगर कोई साधन संपन्न है या किसी ऐसे परिवार में जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उस परिस्थिति ने, उस इन्वायरमेंट ने उसको पॉलिटिकल सिस्टम में आने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और किसी का वातावरण ऐसा होता है, इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या उसको रोका जाता जाने के लिए। तो इन्वायरमेंट से पॉलिटिकल सिस्टम प्रभावित होता है और पॉलिटिकल सिस्टम इन्वायरमेंट को प्रभावित करता भी है, चेंज भी करता है। तो इंटरेक्शन ये करता रहता है पॉलिटिकल सिस्टम इन्वायरमेंट से। और चौथी बात जो बताई है, जो हमने पहले बताई थी, लेजिटिमेट फिजिकल कोर्शन बाई पॉलिटिकल सिस्टम, एक दबाव, जबरदस्ती काम करवाने की शक्ति जो है, वो भी लेजिटिमेट, जिसको उचित भी मानते हैं, मानते हैं कि सरकार यदि बल प्रयोग करते, किसी को सजा देती है, तो हम उसको गुंडागर्दी नहीं कहते, हम कहते हैं कि ये ठीक है, सरकार का ये अधिकार है। लेकिन यदि और कोई व्यक्ति ऐसा करता है और कोई संस्था करते है, तो हम उसको अनुचित मानते हैं, लेजिटिमेट मानते हैं। तो सत्ता और शक्ति में यही फर्क होता है। सरकार के पास सत्ता होती है, शक्ति के साथ तब वैधता जुड़ जाती है, तो उसको हम सत्ता बोलते हैं। तो सरकार के पास सत्ता, तो सरकार यदि दबावकारी शक्तियों का प्रयोग करती है तो उसको उचित माना जाए। तो पॉलिटिकल सिस्टम में दबावकारी शक्ति प्राप्त करने का अधिकार है और बाकी सभी सिस्टम्स पर। तो ये चार बेसिक फीचर्स बताई हैं। अब रॉबर्ट डहाल ने जो बताया कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो लगभग सभी पॉलिटिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चाहे वो डिक्टेटरशिप है, चाहे वहाँ पर राजशाही है, कोई भी सिस्टम मोनार्की है, कुछ भी है, वहीं पर कुछ विशेषताएं हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में पाई जाती है, रॉबर्ट डहल ने बताया है। एक तो अनइवन कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल रिसोर्स, यानी कि राजनीति में सभी की बराबर भागीदारी या हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग राजनीति में ज़्यादा एक्टिव होकर भाग लेते हैं, कुछ कम होते हैं। किसी का सत्ता पर अधिकार होता है, किसी का नहीं होता। किसी के पास पावर होते हैं, किसी के पास नहीं होती। किसी की राजनीति में पहुँच ऊँचे तक होती है, किसी की नहीं होती। यानी कि सभी की एक जैसा कंट्रोल नहीं होता।
बल्कि एलिट थ्योरी तो कहते कि सिर्फ कुछ लोग ही कंट्रोल करते हैं पूरी अथॉरिटी को, पूरी सत्ता को या पूरी पावर को पॉलिटिकल सिस्टम में। दूसरा है सर्च और क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। हर एक आदमी कोशिश करता है या उसकी उत्सुकता रहती है उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, यानी कि राजनीति में उसकी पहुंच हो, क्योंकि आजकल सभी मानते हैं कि राजनीति में जिसकी पहुंच होगी वो बाकी क्षेत्र में भी अपने काम निकलवा लेगा। यदि किसी मंत्री से जानकारी है तो किसी और संस्था में काम करना होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा या कहीं पर अपने कोई सिपाही से नौकरी दिलवानी होगी, तो हर जगह वो मानता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काम आता है। तो इसलिए हर आदमी चाहता है कि उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़े, उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़े, और उसको बढ़ाने के लिए कोशिश भी करता रहता है हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन फिर भी सभी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक जैसा नहीं होता, कुछ लोगों का ज़्यादा होता है और कुछ लोगों का कम होता है, ये सभी हम जानते ही हैं। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एम्स, एक पॉलिटिकल सिस्टम में सभी की तो इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती, सभी को सत्ता प्राप्त हो नहीं सकती, सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में जो आपस में टकराव होता है हितों में, कोई एक चीज़ प्राप्त करना चाहता है, दूसरा भी उसको प्राप्त करना चाहता है, कोई एक चीज़ का समर्थन करता है, दूसरा उसका विरोध करता है, तो इन सारी बातों को सुलझाने का, आपस में सामंजस्य बैठाने का काम भी पॉलिटिकल सिस्टम में होता है। और यदि ऐसा सामंजस्य नहीं बैठाया जाता है तो फिर संघर्ष होता है, क्रांति होती है और पॉलिटिकल सिस्टम एक किस्म से कोलैप्स हो जाता है। एक्विजिशन ऑफ लेजिटिमेसी, हमने बता दिया कि वैधता प्राप्त करने का कोशिश की जाती है, जो भी जिसको भी कोई सत्ता होती है उसको वैधता दी जाती है। डेवलपमेंट ऑफ एन आइडियोलॉजी, हर एक पॉलिटिकल सिस्टम एक आइडियोलॉजी डेवलप करता है। आइडियोलॉजी का मतलब उस लक्ष्य निर्धारित करता है कि हम ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे और इस माध्यम से प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्य को एम गोल निर्धारित करता है और मीन्स डिसाइड करता है कि हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे या हमारी प्रायोरिटी क्या रहेंगी हर एक आइडियोलॉजी में। जैसे हमने दो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हैं, कोई देश कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी अपनाता और कहता है कि हम खुली बाजार व्यवस्था को अपनाएंगे और उसके माध्यम से देश का विकास करेंगे। कम्युनिस्ट सिस्टम कहता है कि हम सोशलिज्म अपनाएंगे और उसके माध्यम से करेंगे। जैसे हमने भी आज़ादी के बाद हमारी आइडियोलॉजी मिश्रित थी, मिक्स आइडियोलॉजी, मिक्स अर्थव्यवस्था हमने अपनाई थी। हमने कुछ सोशलिज्म से लिया था और कुछ कैपिटलिज्म से लिया था। तो हर एक देश अपनी आइडियोलॉजी के माध्यम से तो लोगों को अपने साथ जोड़ता है, लोगों को सपने दिखाता कि हमारी ये आइडियोलॉजी हम आपके लिए ये करेंगे, और लक्ष्य निर्धारित करता, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड होती है आइडियोलॉजी के माध्यम से। तो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम एक आइडियोलॉजी भी डेवलप करता है। इंटरेक्शन विद अदर पॉलिटिकल सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम से, आजकल ग्लोबलाइजेशन के एज में तो बहुत ज़्यादा होता है कि दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम से उसका लिंक बना रहता है, प्रभावित होता रहता है। डायनामिज्म और वाइटलिटी, यानी कि गतिशील है, लोगों की इच्छाएं बदलती रहती हैं, लोगों के लिए अवसर बदलते रहते हैं, तो चेंजेज आते रहते हैं सोसाइटी में, चेंजेज आते रहते हैं लोगों के विचारों में, नए नए चुनाव होते रहते हैं, नई नई गतिविधियां होती रहती है। तो इससे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कभी स्टैटिक नहीं होता, हमेशा डायनामिक होता, गतिशील होता है, जीवंत होता है, सजीव होता है, उसमें नए नए चेंजेज, नई नई बातें होती रहती। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की बताई रॉबर्ट डाहल ने। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है सिस्टम अप्रोच के अनुसार, तो इसमें इनपुट प्रोसेस होता है, इनपुट कुछ अंदर डालना, फिर उसको कन्वर्ज किया जाता है, उसमें उसका प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट निकलता है और फिर फीडबैक होता है। ये असल में ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये जब कंप्यूटर का भी आविष्कार तभी हुआ था, तो साइबरनेटिक्स से ही ये कॉन्सेप्ट आया था कंप्यूटर से ही, कि हम जैसे कोई डाटा कंप्यूटर में फीड करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट निकल के आता है। यदि हमने कुछ टाइप किया, कोई ड्राइंग की, वो ड्राइंग में उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर प्रिंट आउट निकाला, या हमने कोई उसको निष्कर्ष निकल के आया तो आउटपुट होता है। तो यही कॉन्सेप्ट, यही टर्मिनोलॉजी अपनाई थी डेविड ईस्टर ने भी अपने सिस्टम अप्रोच में, कि सिस्टम के अंदर कुछ डिमांड्स आती हैं, उनका कन्वर्जन होता है, फिर आउटपुट निकल के आता है,
और फिर लोग उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, फीडबैक प्रोसेस होता है, गलत है या सही है। यदि कुछ उसमें गलत होता है तो उसको फिर सुधार की कोशिश की जाती है। तो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम इन्हीं तरीके से काम करता है। अब आके देखते हैं कि डेविड स्टर्न ने कैसे बताया है। इस चार्ट से ही समझ में आएगा, यही बातें हम डिस्कस करेंगे। डेविड स्टर्न पहला तो कहता है कि एक इन्वायरमेंट में काम करता है पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा इन्वायरमेंट जो हमने बताया था, जो आलमंड पावेल ने बताया था कि पूरा इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी, कल्चरल एक्टिविटी से भी, सोशल एक्टिविटी से, सब से हम प्रभावित होता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटी। पहले तो एक इन्वायरमेंट में काम करता है। दूसरा, हर एक सिस्टम में पहले इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स दो रूप में उसने बताए, डिमांड्स और सपोर्ट। लोग कुछ डिमांड करते हैं सरकार से, जैसे हम डिमांड करते हैं कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए, दूसरा डिमांड करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से लागू होना चाहिए, किसान डिमांड करते हैं हमें अच्छा मूल्य फसल का मिलना चाहिए, मजदूर अच्छी मजदूरी की, या बेरोज़गार बेरोज़गारी भत्ते की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं। इस तरह से डिमांड, लाखों करोड़ों डिमांड होती हैं, हर एक वर्ग की अपनी अपनी डिमांड होती हैं। और ये डिमांड किससे करते हैं कि सरकार से, क्योंकि सरकार ही उनसे टैक्स लेती है और सरकार की जिम्मेवारी है उनकी डिमांड पूरी करना, क्योंकि वो सत्ता है, अधिकार उसके पास है। तो इनपुट्स के माध्यम से कुछ डिमांड्स सरकार के पास जाती हैं और उस डिमांड्स पूरा करने के लिए आम आदमी सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट करना का मतलब ये है कि जो टैक्स उसके हिस्से में आते हैं अपना टैक्स देता है, नियमों का पालन करता है, सरकार के आदेशों का पालन करता है, इस तरह से उनको सपोर्ट भी देता है सरकार को। फिर ये जो डिमांड्स हैं सपोर्ट के साथ, ये पॉलिटिकल सिस्टम में जाती है। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब जिनके पास अधिकार है इन डिमांड्स को पूरा करने का, या जिनके पास सत्ता है, जो सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी या मंत्री, उनके पास ये डिमांड्स जाती हैं। वो डिमांड्स को देखते भी कौन सी डिमांड, उनको फिल्टर किया जाता है, उनको एनालिसिस किया जाता है भी ये डिमांड सही या गलत है, इस डिमांड के पीछे कितना जन समर्थन है, या इस डिमांड को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा। तो कई बार तो कुछ जायज़ डिमांडें होती हैं इसलिए मान ली जाती है, कुछ नाजायज़ छुप करके छोड़ दी जाती है, कुछ दबाव में जायज़ नहीं भी लगती हैं लेकिन फिर भी दबाव होता है, या वोट पॉलिटिक्स होती है, या अपने स्वार्थ होते हैं, या उनको लगता है इसे नहीं तो आंदोलन हो जाएगा या प्रोसेस बिगड़ जाएगा, तो उनको मांगों को पूरा कर दिया जाता है। कुछ मांगे जिनको अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता, जायज़ होते हुए भी वो रह जाती है। तो यह ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम में यहाँ से जो भी डिमांड गई सभी सरकार उन पर सभी पर ध्यान देती है, सरकार उनकी छटनी करती है, और बहुत छटनी होते होते बहुत कम डिमांड्स ऐसी होती हैं जिन पर सरकार ध्यान देती है, और जिन पर ध्यान देती है उनका फिर आउटपुट निकल के आता है, कुछ तो यहीं पर गायब हो जाती है, यानी कि उनका ख़त्म हो जाती है इसी प्रोसेस में ही। बहुत सारी डिमांडें, और कुछ डिमांडें जो आखिर तक टिकी रहती हैं, फिर उनके लिए सरकार को कुछ एक्शन लेना पड़ता है, जैसे अगर किसानों ने कहा तो उनके लिए कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है, या मजदूरों ने, या बिजनेसमैन ने कोई डिमांड किया, या टीचर्स ने, या सरकारी कर्मचारियों ने कोई डिमांड किया, तो उसको फिर सरकार उनके लिए फिर नीति लेके आती है, डिसीजन कोई निर्णय करती है या कोई पॉलिसी बनाती है, तो ये आउटपुट निकल के आता है, इसको बोलते हैं, इसको फिर डेविड ने बोला आउटपुट। और फिर जो भी निर्णय निकल के आते हैं, हो सकता है जिसने डिमांड की हो वो नहीं खुश हो, या कोई दूसरी अगर इसकी डिमांड होगी कोई दूसरा वर्ग कहने लग जाए तो हमारी भी डिमांड पूरी होनी चाहिए, वो भी मांग जाती है, तो फिर यहाँ से ये पॉलिसी डिसीजन आने के बाद फिर जनता अपना राय देती है कि ये ठीक है गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो फीडबैक दोबारा सरकार के पास जाता है और वो फीडबैक नई डिमांड्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसी को थोड़ी भत्ता मिला तो ज़्यादा की मांग करेगा, किसी की मजदूरी थोड़ी बढ़ाएगी, किसान की फसल थोड़ी कीमत थोड़ी बढ़ाएगी तो ज़्यादा की मांग करेंगे, या दूसरे वर्ग मांग करना लग जाएगा, या एक मांग ख़त्म हो जाएगी दूसरी शुरू हो जाएगी, तो इस तरह ये डिमांड्स चलते रहते हैं। और फिर वही डिमांड्स दोबारा सिस्टम में आती हैं, दोबारा प्रोसेसिंग होती है, छटनी होती है, फिर दोबारा डिसीजन होता है। तो डेविड स्टर्न ये समझाने की कोशिश करता है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से काम करता है किसी का भी, और हम किस तरह से डिमांड्स होती हैं, किस तरह लोग सपोर्ट करते हैं, किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, कैसे डिसीजन होते हैं, इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ स्टैंड करता है, कितना बेहतर है कितना नहीं है। यदि उसमें मांगों
क्यों उठने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो ज़्यादा बेहतर है। कन्वर्जन प्रोसेस, फिल्टरिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएँ स्पेशली डेवलप कर रखी हैं जो इन मांगों पर विचार करें, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। डिसीजन ज़्यादा निकल के आते, लोगों को ज़्यादा खुश कर पाते, जितनी ज़्यादा डिमांड्स को सुन पाते हैं, उनको निर्णय ले पाते हैं, तो सिस्टम अच्छा है। और अगर ये नहीं कर पाते तो सिस्टम बेकार है। तो इस आधार पर हम दो देशों के सिस्टम्स को, पूरे के पूरे सिस्टम को हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि पूरे सिस्टम के मैक्रो लेवल पर एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम डेविड स्टर्न के इस अप्रोच में जो इन सारे शब्द दिए हैं, इन्वायरमेंट है, डिमांड है, सपोर्ट है, इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, फीडबैक है, क्योंकि इन्हीं से इसका सिस्टम थोड़ी अप्रोच अच्छी मतलब क्लियर हो पाती है कि कैसे सिस्टम अप्रोच काम करती है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो तीन किताबें लिखी थी जिसमें उसने अपनी सिस्टम अप्रोच डेवलप की थी डेविड स्टर्न ने, पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में, द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस और द सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये दोनों 1965 में पब्लिश की थी और इन्हीं में इसने अपने सिस्टम अप्रोच को डेवलप किया था। अब जो डिमांड्स की बात डेविड स्टर्न करता है कि डिमांड्स आती हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, लोगों की मांग आती है, तो डिमांड्स को उसने चार भागों में बांटा कि चार तरह की डिमांड्स आती हैं। सबसे पहले एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लोग मांग करते हैं कि उनकी हिस्सा मिलना चाहिए, उनको भी वस्तुएं और सेवाओं में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उसके हिस्से में भी सेवाएं, जैसे यातायात की सेवा है, मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, हमारे यहाँ पर टेलीफोन की सुविधा होनी चाहिए, या हमारे यहाँ पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता होनी चाहिए, रोड बनने चाहिए, ये सभी डिमांड्स हैं गुड्स और सर्विस की, यानी कि जो हम डिमांड करते रहते हैं आम जनता, तो ये एक तो ये डिमांड इस तरह की। दूसरी डिमांड है डिमांड फॉर रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। तीसरा, पॉलिटिकल सिस्टम में सरकार से ये डिमांड की जाती है कि वो ला कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए, यानी कि लोग गुंडागर्दी ना करें या अपराधी को सजा मिले, लोगों के व्यवहार को रेगुलेट करने की डिमांड की जाती है। दूसरी डिमांड की जाती है कानून व्यवस्था लागू। तीसरी डिमांड की जाती है कि उनकी पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी भागीदारी हो, उनको वोट डालने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव प्रचार करने का या कोई भी राजनीतिक पद प्राप्त करने की डिमांड्स उनको होती है कि ये उनको मिलने चाहिए। और चौथा है कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनको सूचना दी जानी चाहिए कि सरकार ने क्या निर्णय लिया, उनको पता होना चाहिए सरकार क्या कर रही है। तो जैसे कहते हैं ना, जानने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये डिमांड्स लोगों की होती है हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में कि उनको सरकार के सभी बातों का पता होना चाहिए कि सरकार में, तो ये सभी डिमांड्स, चार तरह की डिमांड्स बताई हैं डेविड स्टर्न ने। फिर सपोर्ट, चार तरह की जो सपोर्ट की कहते हैं, लोग डिमांड्स करते हैं लोग, लेकिन लोगों की सपोर्ट के बिना वो डिमांड पूरी सरकार नहीं कर सकती। तो पहली तो डिमांड है, पहली तो सपोर्ट करते हैं लोग, जनता जो सपोर्ट करती है वो मेटीरियल सपोर्ट करती है, यानी कि जो भी उसके हिस्से में टैक्स आता है वो टैक्स भरती है, क्योंकि पैसे के बिना सरकार काम नहीं कर सकती। और भी सरकार जो भी कोई भी फीस वगैरह जहाँ पर दी देनी होती है वो दी जाती है। दूसरा, सपोर्ट लोग क्या करते हैं, कानून का पालन करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। लोग कानून का ही पालन नहीं करेंगे तो भी सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम वही ज़्यादा बेहतर माना जाता है जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। आगे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें भी लूसियन पाई ने भी यही बताया कि जिसमें ज़्यादा भागीदारी होगी वो सिस्टम ज़्यादा डेवलप माना जाएगा। तो लोगों से एक उम्मीद ये की जाती है, ये सपोर्ट ये मांगी जाती है कि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लें, जैसे चुनाव में भाग लें, वोट डालें, चुनाव रैलियों में आएँ या प्रचार करें या सत्ता के लिए संघर्ष में शामिल हो, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करें लोग। तीसरा है टेंडेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि सरकार जो भी आदेश जारी करे, सरकार जो भी नियम बनाए, सब जनता उस पर ध्यान दे या उनको जाने कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की नीतियों के प्रति अवेयर रहना चाहिए। तो ये सपोर्ट की बात करती है, चार तरह के सपोर्ट डेविड स्टर्न कहता है। फिर आउटपुट आता है, वो तो थे इनपुट दोनों, और फिर आउटपुट आता है एक तो एक्सट्रैक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन लिया जाता है जो जो भी बात निकल के आती है नियमों या पॉलिसियों के रूप में
वो एक्सट्रैक्शन होता है जो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम डिमांड्स के अनुसार करता है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। तीसरा है एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पद वस्तुएं सेवाएं इन सभी का बंटवारा उनकी डिमांड्स के अनुसार किया जाता है। उसके लिए नियम जैसे रोड बनाए जाते हैं, रोजगार उपलब्ध करवाए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ खोली जाती हैं, ये सभी, या पॉलिटिकल पद के लिए सभी को अधिकार दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और सिंबॉलिक आउटपुट, यानी कि सांकेतिक रूप से जो है किसी को ऊंची पदवी देना या किसी को सम्मान देना, जो सिंबॉलिक होता है, जो संकेत के रूप में होता है। तो ये इस तरह के सभी आउटपुट्स जो होती हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में होते हैं। और एक दो तरह के आउटपुट और भी बताते हैं, अथॉरिटेटिव और एसोसिएट। अथॉरिटेटिव होता है जिनको मानना बाध्यकारी होता है, जैसे नियम कानून, और एसोसिएटेड होता है जिनको मानना बाध्यकारी नहीं है, जो मतलब उनकी इच्छा पर छोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरह का भी डिवाइडेशन करता है डेविडिस्टन। अब बात आती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, एक इन्वायरमेंट तो नेशनल लेवल पर जो हमारे अंदर एक सभी सोसाइटी से प्रोजेक्ट, जैसे आर्थिक व्यवस्था से, राजनीतिक सांस्कृतिक कल्चरल सिस्टम से या इकोनॉमिक सिस्टम से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम प्रभावित होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हम दूसरे देशों के पॉलिटिकल सिस्टम से प्रभावित होते हैं, जैसे हम अमेरिका से पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमारा संविधान में भी देखते हैं कि उनसे प्रभावित होकर हमारा संविधान प्रभावित है कई देशों के संविधानों से, या वहाँ पर भी कोई नई पॉलिसी या नए नियम आते हैं तो उसे प्रभावित होकर हमारे यहाँ भी नियम परिवर्तित करने की डिमांड उठती है, परिवर्तित किए जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंट नेशनल लेवल पर भी इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रभावित करता है, और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है इन्वायरमेंट से को प्रभावित करता भी, इसको भी चेंज कर देता और इसे प्रभावित होता भी है। फीडबैक सिस्टम, जब आउटपुट आ जाता है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये, यानी कि जनता की सूचनाएं, जनता की डिमांड, जनता की इच्छाएं, आकांक्षाएं सरकार तक पहुंचती हैं, विच प्रोड्यूस एक्शन इन रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट के रिस्पॉन्स में ये एक्शन किया जाता है। हेल्प द पॉलिटिकल सिस्टम इन अप्रोचिंग इट्स गोल्स, ये पॉलिटिकल सिस्टम को जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। पॉलिटिकल सिस्टम का उद्देश्य है कि लोगों की डिमांड सुने, उनको मौका दे अपनी डिमांड्स करने का, उनकी सपोर्ट्स मांगे, और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्सों को फिल्टर करके पूरा करने की कोशिश करे। जब सरकार को पता ही नहीं होगा कि जनता किस बात से नाराज है, किस बात से खुश है, तो उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, तो फिर वो अपने उद्देश्यों को पूरा अच्छी तरह से नहीं कर सकती। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक फीडबैक सिस्टम डेवलप हो, कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सपेक्टेड टू एडजस्ट आउटपुट टू इनपुट। तो फीडबैक सिस्टम से कोशिश एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एडजस्ट करे आउटपुट और इनपुट को आपस में, यानी कि जितने इनपुट कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल कर आए, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकल कर आए। तो ये फीडबैक प्रोसेस काम करता है। इस सिस्टम का क्या महत्व है, एक तो कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए, पॉलिटिकल यूनिट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल यूनिट जैसे हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में कंपेरिजन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, लेजिस्लेटिव सिस्टम कैसे काम करता है, जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है, या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो कई तरह के सिस्टम हैं, उनकी कई पॉलिटिक्स में कई यूनिट्स हैं, तो उनमें हम कंपेरिजन कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम भारत के पॉलिटिकल सिस्टम से बेहतर है या बेहतर नहीं है, या कौन से में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो हम पूरे सिस्टम को और किस आधार पर देखते हैं, हम डिमांड्स कितनी अच्छी तरह से उठती है, डिमांड्स को उठाने को कितने ज़्यादा अवसर उनको दिए गए हैं, लोग कितनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए, कहीं कम कर सकते हैं, कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। कन्वर्जन प्रोसेस, जो फिल्टरिंग का प्रोसेस होता है, जो डिमांड छटनी होती है, भाई ये जाएंगे, वो प्रोसेस कितना अच्छा है, कितना बेहतर है किस देश में, या फिर आउटपुट कितना अच्छा निकल के आता है, या लोग कितने लोग फीडबैक देते हैं, या कम देते हैं या ज़्यादा देते हैं, लोगों में कितनी जागरूकता है नहीं है। तो इस आधार पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर है और कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम
बेहतर नहीं है। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आई अमन पावेल की या ड्यूक की जो कम्युनिकेशन थ्योरी आई, उनका आधार ये सिस्टम अप्रोच है। इसी के बाद उनको ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप किया जा सका। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी, इवेल्यूएशन भी हैं। एक तो है पॉलिटिकल पावर, पावर के लिए संघर्ष कैसे होता है, क्योंकि सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है, सत्ता इर्द गिर्द घूमती है। ये हमारा सिस्टम अप्रोच उसको एनालिसिस नहीं कर पाता अच्छी तरह से कि पॉलिटिकल पावर के लिए संघर्ष कैसे होता है। दूसरा, ये पॉलिटिकल बिहेवियर जो मास लेवल पर पॉलिटिकल बिहेवियर है, जैसे वोटिंग बिहेवियर है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, इनका अध्ययन इस अप्रोच के द्वारा हम नहीं कर सकते। एक ये स्टेटस क्यों है, ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है उसको बनाए रखने के लिए बात करता है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम में कमी है उसको चेंज करने की कोई बात नहीं करता। मार्क्सवादी ज़्यादातर इस बात पर आलोचना करते हैं कि सिस्टम को चेंज करने की भी बात होनी चाहिए, बदलाव की भी बात होनी चाहिए। तो एक तो एक सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है, ये पॉलिटिक्स की हर एक्टिविटी को एनालिसिस नहीं कर पाता और स्टेटस क्यो का ही समर्थक है, तो इस आधार पर इसकी आलोचना भी होती है। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था डेविड ईस्टर ने, बाद में कई मॉडर्न अप्रोच खासकर कंपेटिव पॉलिटिक्स में डेवलप हुई थी। इसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, तो बहुत सारी अप्रोच डेवलप हुई थी। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस सिस्टम अप्रोच के बारे में। धन्यवाद।